सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम टाटा के 2.2 लीटर डाइकोर इंजन के टाइमिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे। ये इंजन टाटा सफारी डाइकोर, स्ट्रॉम, आर्या और हेक्सा में यूज़ किया गया है और कमर्शियल में विंगर, जेनॉन और योद्धा में भी यूज़ किया गया है, तो सभी का टाइमिंग प्रोसीजर सेम होगा। तो टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले हमें क्रैंक को लॉक करना होगा फ्लाईव्हील के पास स्पेशल टूल यूज़ करके। क्रैंक लॉक करते वक्त जब हम फ्लाईव्हील को रोटेट करेंगे तो उसमें बहुत सारे होल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर सिंगल होल रहेगा, उस पोजीशन पे ही हमें फ्लाईव्हील को लॉक करना है। अब फ्लाईव्हील लॉकिंग पिन का मैंने स्पेशल टूल का पार्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया है, अगर आप चाहें तो स्पेशल टूल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप ये पोजीशन देख रहे हैं, ये होल में हमारा स्पेशल टूल लॉक होगा और यहाँ पर एक येलो कलर का मार्किंग भी दिया है TDC पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये हमने स्पेशल टूल इसमें लॉक कर दिया है स्टार्टर के साइड से, इसके लिए चला गया। और ये हाई प्रेशर पंप को हम अभी लॉक कर रहे हैं। हाई प्रेशर पंप को भी आपको होल मैच करके उसमें स्पेशल टूल इंसर्ट करना है, स्पेशल टूल का पार्ट नंबर मेंशन्ड है। कैमशाफ्ट को लॉक करने के दो तरीके हैं, एक आप कैम सेंसर के पास से कर सकते हैं स्पेशल टूल यूज़ करके, या फिर आप इंजन के बैक साइड में जहाँ पे वैक्यूम पंप होता है वहाँ से आप कैम को लॉक कर सकते हैं। वैक्यूम पंप साइड से अगर आप लॉक कर रहे हैं तो आपको कैमशाफ्ट को इस पोजीशन पे लेके आना होगा, यानी जो सीधा वाला स्प्लाइन है वो ज़्यादा थिकनेस का है और जो आड़ा वाला स्प्लाइन है वो कम थिकनेस का है। जब आपका कैम इस पोजीशन में लॉक हो जाएगा तो आप कैमशाफ्ट लॉकिंग प्लेट यानी स्पेशल टूल का यूज़ करके कैमशाफ्ट को आप वैक्यूम पंप के पास से लॉक कर सकते हैं। इससे ज़्यादा सिंपल तरीका कैम सेंसर के पास से लॉक करना है। तो अभी हम हमारे टाइमिंग बेल्ट का लेआउट देख लेते हैं। टाइमिंग बेल्ट दो आइडलर और एक टेंशनर से होते हुए पास हो रहा है और साथ ही साथ क्रैंकशाफ्ट पुली, कैमशाफ्ट पुली, हाई प्रेशर पंप पुली और कूलेंट पंप के पुली से पास हो रहा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये टाटा का ओरिजिनल टाइमिंग बेल्ट है और इसका सप्लायर कॉनिटेक है। यहाँ पर आप बेल्ट पर देख सकते हैं पार्ट नंबर, और इसमें एरो मार्किंग दिया गया होता है किस डायरेक्शन में लगाना है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम बेल्ट को लेआउट के हिसाब से असेंबल कर रहे हैं। तो आप कभी भी एक चीज़ याद रखिए, बेल्ट को असेंबल करते वक्त कैम पुली को लूज़ रखिए, क्योंकि कैम पुली को हमें बेल्ट लगाते वक्त निकालना होगा। अगर आप डायरेक्ट ही कटा के उसको चढ़ाने के लिए जाएंगे तो आपका बेल्ट उसमें डैमेज हो सकता है या फिर आपका टेंशनर डैमेज हो सकता है। तो कैम पुली को लूज़ रखिए, जैसे अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो लास्ट स्टेप में आप कैम पुली को कैमशाफ्ट से निकाल लेंगे और बेल्ट स्लाइड करके फिर से असेंबल कर देंगे, और एंड में हम कैम पुली, हाई प्रेशर पंप और क्रैंक पुली को टॉर्क रेंच से टाइट करेंगे। मैं इसमें आगे आपको स्पेसिफाइड टॉर्क बता दूंगा तीनों ही पुलीज का कितना है। एक बार बेल्ट लेआउट के हिसाब से लगने के बाद हम कैम पुली को टाइट कर देंगे। नेक्स्ट हम हाई प्रेशर पंप के बोल्ट को भी टाइट करेंगे। इन सभी बोल्ट्स को हम टॉर्क रेंच से फाइनल टॉर्क देने वाले हैं। फाइनली बेल्ट को टेंशन देते वक्त आप एलएन की से टेंशनर को रोटेट करेंगे और ये पॉइंटर को बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर लेकर आएंगे, और ये दिए गए डायमेंशन के हिसाब से आप इसको सेट करेंगे। 5 डिग्री का मैक्सिमम डिविएशन इसमें हम सेट कर सकते हैं, और 12 mm के रिंग स्पैनर से हम इसको इस पोजीशन पे टाइट कर देंगे। कैम गियर के बोल्ट को हम 11.5 kg मीटर के टॉर्क से टाइट करेंगे, और हाई प्रेशर पंप के बोल्ट को हम 6.65 kg मीटर के टॉर्क से टाइट करेंगे। सभी पुली टाइट होने के बाद हम स्पेशल टूल्स निकाल देंगे। ये सारे लॉकिंग टूल्स हम निकाल देंगे और नेक्स्ट स्टेप में हम इंजन को 2 rotations रोटेट करके चेक करेंगे।
क्रैंक पुली पे आप टी हैंडल लगा के और सॉकेट के मदद से क्रैंक को दो रोटेशंस घुमाएंगे। इंजन कहीं भी जैम फील नहीं होना चाहिए। अगर आपका इंजन फ्रीली रोटेट हो रहा है तो आपका टाइमिंग ओके है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।